बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन स्किल्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे स्पार्क प्लग को निकालना है और हेड के मेन कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ये एक वोकेशा का 7044 GSI सीरीज 5 ESM2 के साथ इंजन है। तो सबसे पहले टैपेट कवर यानी वेल कवर्स का टॉर्क तोड़ लेंगे, लेकिन इससे पहले हम वेल कवर की मार्किंग कर लेंगे। तमाम वेल्व कवर की मार्किंग कर लेंगे और फिर टैपेट कवर्स यानी वेल्व कवर्स के स्क्रू का टॉर्क तोड़ लेंगे यानी अनटॉर्क कर लेंगे। अब ये चारों स्क्रूज खोल कर निकाल लेंगे। टैपेट कवर को इग्निशन कॉइल समेत ऊपर उठा लेंगे ताकि वक्त ज़ाया ना हो, वरना इग्निशन कॉइल को इलादा से खोला जाता है। अब तमाम स्क्रूज को वेल्व कवर में ही रख देंगे ताकि गिरने से महफूज रहें। ये वाइट कलर में एक्सटेंशन स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं जो कि ट्यूब के अंदर मौजूद है, जिसको किसी भी प्लायर के साथ निकाल लेंगे ताकि स्पार्क प्लग तक हमें एक्सेस मिल जाए। अब 7x8 या 13x16 की सॉकेट्स, जिसे स्पार्क प्लग सॉकेट कहते हैं, को इंसर्ट करके स्पार्क प्लग को लूज कर देंगे। अब स्पार्क प्लग एक्सटेंशन को दोबारा डालकर मैं स्पार्क प्लग को एक्सटेंशन स्पार्क प्लग के अंदर ग्रिप करके बाहर निकाल लूँगा। ये इंटेक वेल हैं जिस पर रॉकर आर्म लगा हुआ है। इंटेक वेल्व दो हैं। और इनके साथ ये दो एग्जॉस्ट वाल हैं। इनके ऊपर ब्रिज वाल असेंबली है। टैपेट कवर या वाल कवर को उतार कर साइड पर रखते जाएंगे और इनके अंदर इनकी एक्सटेंशन स्पार्क प्लग और स्पार्क प्लग को भी रखते जाएंगे ताकि आपस में मिक्स ना हो सकें और इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई फॉल्ट है तो पकड़ा जा सके। इस इंजन में 12 सिलेंडर हैं और सबकी इंस्पेक्शन सेम तरह से होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हल्का बाब में इसको शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।